नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो आप फॉर्म 19 के जरिए अपना पीएफ विड्रॉल तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 10C सबमिट करके अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ईपीएफओ का रूल ही यही कहता है अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है, यानी कि आपने 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ दी है, तो दोस्तों आप पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की हो, लेकिन उस पीएफ खाते को आपने किसी ऐसे पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जिसकी सर्विस 6 महीने से कम की हो। तो दोस्तों ऐसे में भी आपको ये जो ईपीएफओ का 6 महीने वाला रूल है ये आपको परेशान कर देगा, लेकिन इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपकी फॉर्म 10C क्लेम जो है 100% गारंटेड जो है सॉल्व हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे ये एक दोस्त थे, इनका जो है एक पीएफ खाते में सर्विस था 2 साल 1 महीने से ज्यादा की, लेकिन दोस्तों इन्होंने इस पीएफ खाते को एक ऐसे पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जिसमें मात्र जो है 2019 का आप देख सकते हैं 11वां और 12वां महीना, यानी कि मात्र 2 ही महीने की सर्विस थी। तो 6 महीने से कम की सर्विस हुई, मात्र 2 महीने की ही सर्विस थी। तो इन्होंने यानी कि अपने 2 साल के सर्विस वाला एक पीएफ खाता ऐसे पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जिसमें मात्र 2 महीने की सर्विस थी। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है कि अगर आप फॉर्म 10C क्लेम करते हैं तो फॉर्म 19 के जरिए तो आपकी पीएफ की अमाउंट आ जाएगी, लेकिन फॉर्म 10C सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो ईपीएफओ का डीलिंग ऑफिसर होता है, डीलिंग क्लर्क होता है, वो जो है नहीं देखते आपकी पासबुक को कि आपकी यहाँ पर ट्रांसफर की हुई सर्विस भी है या तो फिर आपके पीएफ पासबुक में पैसे हैं। वो बस सिस्टम जो दिखाता है उसे देखकर आपकी क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं और उसमें लिख कर आ जाता है आपकी क्लेम रिजेक्शन स्टेटस में, योर क्लेम आईडी हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी सर्विस लेस देन 6 मंथ्स, नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट अंडर ईपीएस 1995। और दूसरा यहाँ पर दे देता है नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉल बेनिफिट। ये दोस्तों कभी, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन था तो इन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने इनका फॉर्म भरा और इनका जो है क्लेम मैंने किया था 27 मई को, आज है 1 जून जब वीडियो मैं डाल रहा हूं। तो दोस्तों आज के टाइम में देखिए इनका जो फॉर्म 10C क्लेम है वो सेटल्ड हो गया है, फॉर्म 19 अभी नहीं हुआ है, ये भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पेंशन का प्रॉब्लम रहता है आप देख सकते हैं, मात्र 2 महीने की सर्विस थी इस पीएफ खाते में, लेकिन दोस्तों इनका फॉर्म 10C सेटल हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये किस वजह से सेटल हो पाया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि इसमें कितना अमाउंट जो है अप्रूव हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्लेम स्टेटस में यहाँ पर अप्रूव हुआ है 12,999 रुपए। अब मैं आपको जो है इनके पिछले पीएफ खाते का दिखा देता हूँ, पिछले पीएफ खाते में इनका पेंशन जो अमाउंट था वो था 11,982 रुपए और नए पीएफ खाते में जो है तो वो है 1,016 रुपए। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 12,998 रुपए बनता है। तो क्योंकि पेंशन की कैलकुलेशन कुछ अलग होती है तो यहाँ पर 12,999 रुपए यानी कि एक्चुअल जो है अमाउंट आ गई है। तो आप ये जान के होंगे कि इनका जो है पुराने पेंशन भी आ गई है, पुराने पीएफ खाते का पेंशन अमाउंट जो है वो भी विड्रॉ हो गया है नए पीएफ खाते के साथ जुड़ के। तो ये दोस्तों ये किस वजह से हो पाया, इसका बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इस्तेमाल करें इस ब्रह्मास्त्र का कहकर। तो दोस्तों आप जब फॉर्म 10C के लिए अप्लाई करते हैं, अपना बैंक प्रूफ के लिए चेकबुक या फिर पासबुक का फोटो अपलोड करते हैं, तो उसके साथ आपको बस लिख देना है। देखिए मैंने इसमें क्या लिखा था जब इनका क्लेम किया था, तो इसमें लिख दिया था दोस्तों कि सर इसमें पीएफ ट्रांसफर किया गया है और मेरे पिछले पीएफ खाते में 6 महीने से ज्यादा की नौकरी थी, और यहाँ पर जो है नीचे इनका पासबुक का फोटो भी आ गया और ये भी यहाँ पर लिखा गया। तो दोस्तों जब डीलिंग क्लर्क जो है इस क्लेम को प्रोसेस में लेता है और इसे देखता है तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी इस मैसेज में, तो उस मैसेज को देखकर जो है वो जान जाएंगे कि हाँ इसमें पीएफ ट्रांसफर किया गया है, तो फिर वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे तुरंत और जो है इसे सेटल कर देंगे और जितना अमाउंट होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरह का फोटो बनाने के लिए दोस्तों आप पिक्सल लैब को यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिए, यहाँ पर इसे हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर आपको जो है कोई सा भी शेप ले लेना है, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर शेप ले लेते हैं और इसका रंग आप यहाँ से कलर में जाकर
चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे रखने वाला हूँ ब्लैक। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने उस फ़ोटो को ले लेना है जो अपने बैंक की खींची हुई है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपने बैंक पासबुक या चेकबुक का, जो भी आप खींचे हुए रखे हैं उसकी फ़ोटो ले लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब क्लियर दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप ले लीजिए इसका फ़ोटो और यहाँ पर नीचे की ओर अपने चेकबुक या पासबुक का फ़ोटो को रख दीजिए। और यहाँ पर आपको खाली स्पेस जो मिल जा रहा है यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सर इसमें PF ट्रांसफ़र किया गया है और पिछले PF खाते में 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस थी। तो इस तरीके से दोस्तों लिख देने के बाद इसे इस तरीके से रख दीजिए। तो आपकी यहाँ पर मैसेज भी आ गई, आपकी पासबुक की फ़ोटो भी आ गई। तो ये मैसेज को देख कर जो है आपकी PF क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और इसे सेटल कर दिया जाएगा। तो ये फ़ोटो बना लेने के बाद दोस्तों आप इसे अपलोड कर दीजिए। फॉर्म 10C क्लेम करते समय अपलोड चेकबुक या पासबुक का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों आप इस स्टेप को फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है कि आपकी 6 महीने से ज्यादा की सर्विस की कोई PF खाता है और उसे आपने किसी ऐसे PF खाते में ट्रांसफर कर दिया है जिसकी सर्विस 6 महीने से कम की है, तो आप ये वाला मेथड जरूर यूज कीजिए। दोस्तों कई सारे केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको जो है फॉर्म 10C का फॉर्म ही ओपन ना हो और वहां पर लिख दे आपकी सर्विस 6 महीने से कम है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको जो है ऑफलाइन क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है फॉर्म 10C के जरिए आपकी पेंशन अमाउंट जरूर मिल जाएगी। तो आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।